अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने वेबिनार के माध्यम से किया संवाद। पुलिस पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को हल्का करने के लिए सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र, स्काउट गाइड और एनसीसी से की मदद की अपील। कोरोना महामारी की आपदा को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने व लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर आए काम के अतिरिक्त बोझ को हल्का करने के लिए सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र, स्काउट गाइड, एनसीसी खुलकर पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें और लोगों को सतर्क सावधान करने में अपनी भूमिका अदा करें। ये कहना है अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर का। वे सोमवार को अपने कार्यालय में वेबिनार के माध्यम से संवाद कर रहे थे। आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा विकराल है, लेकिन लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे, जो भारी पड़ती जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कोविड अनुशासन बताने और सिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोग भी इसे गंभीरता से लें और अपना और अपने परिवार का बचाव करें। भीड़भाड़ से बचें, बेवजह सड़कों पर ना निकलें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, परिवार में भी 2 गज की दूरी बनाए रखें। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाकर हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मुख्य रूप से जो आप देखेंगे तो पिछली जो फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव के दौरान आम लोग इस चीज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं। पहले जो पिछले साल जितना गंभीरता से लिया उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये एक इश्यू है। दूसरी बात क्या, अभी जो लॉकडाउन की जो पालना कराने के लिए और पालना के दौरान जो भी गाइडलाइंस राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आए हैं या जिला प्रशासन के स्तर पर दिया जा रहा है, उसके पालना के लिए हम लोग तो ये सोशल मीडिया के मार्फत आराम से, आसानी से ज़्यादा संख्या, ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो पुलिस का काम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रशासन का काम बढ़ गया, स्वास्थ्य विभाग का भी बढ़ रहा है, इसमें हमारे पास नफरी की सीमा है। इसलिए हम हमारी कोशिश यही कि हम चाहते हैं कि सीएलजी मेंबर्स है, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, बहुत सारे वॉलंटरी एजेंसी है, स्काउट, एनसीसी जैसे लोग भी खुल के सामने आएँ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, स्वास्थ्य विभाग का साथ दे के हमारी ड्यूटी को हल्का कर सकते हैं। और जो भी ड्यूटी जहाँ भी हम दे रहे हैं, वो ओपन जगह पे, खुली जगह पे, वहाँ पे वो भी साथ आके हमारे साथ दें, सहयोग दें, और साथ साथ कोरोना अवेयरनेस के बारे में, सतर्कता के बारे में लोगों को, आम लोगों को समझाएं। इन बातों, इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ये जो प्रोग्राम आयोजित किया था।